Chef, what you should. हर पल मनाओ केसरी त्योहार विमल बोलो जुबान केसरी। हम पहले चरण से देख रहे हैं, पहले चरण से गुस्सा देख रहे हैं। ये सातवें चरण में जनता का गुस्सा सातवें आसमान पर होगा, सातवें आसमान पर। ये गोरखपुर और आसपास बहुत बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है। अभी हम सब जितने लोग खड़े हैं, सब लोग जानते हैं बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है। अगर दिल्ली और लखनऊ वालों ने हमें और आपको बेरोजगार बनाया है, अगर दिल्ली और लखनऊ वालों ने हम लोगों को बेरोजगार बनाया है, तो बताओ एक तारीख को वोट डाल करके दिल्ली वालों को बेरोजगार बना दोगे या नहीं बनाओगे? हमारे साथ इस कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी की नेता प्रियंका गांधी जी मंच पर, समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष ब्रजेश कुमार गौतम जी, कांग्रेस पार्टी के प्रभारी और लगातार उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के लिए बैठक करने वाले अविनाश पांडे जी, महानगर अध्यक्ष सबीर कुरैशी जी, पार्टी के हमारे नेता जो मंच पर उपस्थित हैं, बड़ी संख्या में सभी हमारे नेता प्रहलाद यादव जी, विजय बहादुर जी, राजमती निषाद जी, यशपाल रावत जी, अमरेंद्र निषाद जी, साधु यादव जी, जियाउल इस्लाम जी, डॉक्टर मोहसिन खान साहब, जवीर अहमद डक्कू साहब, जयप्रकाश यादव जी, देवेंद्र प्रसाद निषाद जी, जगदीश यादव जी, कृष्ण कुमार त्रिपाठी जी, मुन्नीलाल यादव जी और कांग्रेस पार्टी के सभी नेता, निर्मला पासवान जी जिलाध्यक्ष और इंडिया गठबंधन के दोनों दलों के मंच पर सभी नेता और इस चुनावी जनसभा में आए हुए हमारे सभी आदरणीय बुजुर्ग किसान भाई, माताएं बहनें और बड़ी संख्या में नौजवान साथी, पत्रकार बंधु, मैं देख रहा हूं जहां पंडाल में इस दोपहरी में थोड़ा बहुत छाया मिल रही है, पंडाल पूरा हमें भरा दिखाई दे रहा है। जहां पंडाल में और पंडाल के बाहर जहां कोई व्यवस्था नहीं है धूप से बचने की, उसके बावजूद भी दाएं और बाएं और मंच के चारों तरफ अपने गमछे से धूप बचा करके जो खड़े, मैं आप सबका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देना चाहता हूं। और इस बार मुझे गोरखपुर और आसपास के क्षेत्रों से जो संदेश मिल रहे हैं और जो माहौल बता रहा है और जो यहां पर जोश और उत्साह देखने को मिल रहा है, इस बार न केवल गोरखपुर, बांसगांव और आसपास जितने भी लोकसभा क्षेत्र हैं, उसमें सभी के सभी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जीतने जा रहे हैं। मैं यहां पर
दो लोकसभा के जो बसे हमारे साथी हैं, उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, जहां काजल निषाद जी आपके बीच में समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हैं, वहीं सदन प्रसाद जी जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं, इन दोनों साथियों को एक एक वोट देकर के साइकिल और कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पंजे पर ऐतिहासिक वोट देकर के इनको सफल बनाने का काम करना। मैं देख रहा हूं इस बार गोरखपुर आसपास के लोगों ने मन बना लिया है, भारतीय जनता पार्टी का जो गोरख धंधा चल रहा है उसको हमेशा हमेशा के लिए समाप्त करेंगे। ये जो गोरख धंधा चल रहा है लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक, और जिस तरह का हमने और आपने सरकारों का कार्यकाल देखा है, 10 साल में इनकी हर बात झूठी और हर वादा झूठा निकला है। जो लोग कहते थे 400 पार का नारा देकर के, ये लोग 400 पार का नारा दे रहे थे, इस बार 400 पार तो हो ही ना, इस बार 400 हारने जा रहे हैं। और सच्चाई तो ये है कि अगर सही तरीके से हिसाब किताब लगाओगे, दिल्ली वालों ने अपने मन की बात 400 पार में कह दी। जो लोग हिंदी समझते होंगे, गिनती को जानते होंगे, मैं आपसे पूछूं कि अगर कुल मिलाकर के 543 सीटें लोकसभा की हैं, और अगर बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि हम 400 पार जीतेंगे, तो बताओ कितनी सीटें जीतने जा रहे हैं? 543 में 400 पार कितनी बन रही है? ये 143 नहीं, इस बार देश की जनता इनको 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। और ये जो गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है, ये जो गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है, हम पहले चरण से देख रहे हैं, पहले चरण से गुस्सा देख रहे हैं, ये सातवें चरण में जनता का गुस्सा सातवें आसमान पर होगा, सातवें आसमान पर। ये गोरखपुर और आसपास बहुत बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है। अभी हम सब जितने लोग खड़े हैं, सब लोग जानते हैं बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है। अगर दिल्ली और लखनऊ वालों ने हमें और आपको बेरोजगार बनाया है, अगर दिल्ली और लखनऊ वालों ने हम लोगों को बेरोजगार बनाया है, तो बताओ 1 तारीख को वोट डाल करके दिल्ली वालों को बेरोजगार बना दोगे या नहीं बनाओगे? वो जानते होंगे कि उन्होंने वादा किया था कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, न किसानों की आय दोगुनी हुई, और अगर महंगाई के हिसाब से हिसाब किताब लगाओगे तो आप जानते होंगे कि आज लागत बढ़ गई है, और लगातार महंगाई के कारण, जीएसटी के कारण हमारे किसानों की जहाँ आय बढ़नी थी वहाँ लागत बढ़ रही है। न केवल ये लागत बढ़ा रहे हैं, बल्कि किसान भाई जब खेत के लिए अपनी फसल के लिए खाद लेने जाता होगा, तो हर बोरी में वो 5 किलो पहले और 5 किलो अब बताओ कितने किलो की चोरी कर रहे हैं? 10 किलो की चोरी कर दी, न केवल 10 किलो की बोरी से चोरी की है, बल्कि हमारे किसानों को जबरदस्ती इन्होंने नैनो यूरिया खरीदवा दी। डीएपी तभी मिली जब किसानों ने नैनो यूरिया खरीदी।
है।